हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही इजीली झटपट से ये बन के तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं, चलिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर और इसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल। मैंने 2 कप और 2 चम्मच बड़े ऑयल के डाले हैं और इसमें मैंने ये डाल दूंगी एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा गोल्डन हमें नहीं करना है गाइस, इसको हमें बस हल्का सा फ्राई करना है, बस लाइट पिंक होने तक और प्याज की सॉफ्ट हो जाने तक। तो ये प्याज आप देख सकते हैं लाइट पिंक होने लगी है, सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूंगी कुछ गरम मसाले, 2 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी मैंने डाल दी है काली मिर्च, 8-10 दाने। और अब इसको हल्का सा हम चला लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हम भून लेंगे 1-2 मिनट ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। तो लहसुन को हमें अच्छे से भून लेना है और इसके बाद ये थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी ताकि लहसुन जले नहीं और अच्छे से भुन भी जाए। इसको हल्का सा हम भून लेंगे। अब मैं डाल दूंगी कुछ इसमें पाउडर मसाले, जैसे कि ये मैंने 1 चम्मच ली है लाल पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने लिया है 1 चम्मच भर के नमक और ये आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है और 2 से 3 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है, इससे पहले डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। और अब मैं बाकी सारे मसाले इसमें डाल दूंगी। जिस प्लेट में मसाला था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको साफ करके मैं इसमें डाल दूंगी, इससे जो प्लेट पर मसाले लगे थे वो भी हट गए, साफ हो गए और जो मसाला है हमारा जलेगा भी नहीं पानी डलने से। अब इसको मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये मसाला अच्छे से भुनने लगा है। अब इसको इसके अंदर हम डाल देंगे, ये मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, इसको मैं डाल दूंगी इसके अंदर। इससे मसाला बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट भी अच्छा आता है और हमारा मसाला काफ़ी गाढ़ा और अच्छा बनता है। अब इसको हम मसाले के साथ चला लेंगे, मिक्स कर देंगे। अब मैं डाल दूंगी इसमें ये टमाटर, ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के लाल रंग के टमाटर लिए हैं, इनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। टमाटर को हम मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक। तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है।
अब मैं इसमें डाल दूंगी 4 बड़े चम्मच दही, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। अब इसको दही के साथ हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे दही का पानी थोड़ा खुशक होने तक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दही का पानी खुशक हो गया है, अच्छे से भुन गया है दही। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मटन, ये मैंने बीफ का लिया है मटन, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। मटन को हम अच्छे से भून लेंगे इसको इसके अंदर मसाले के साथ। इसको इस तरीके से अच्छे से हम मसाले के साथ गोश्त को भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल निकल जाए और बोटियों में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो ये हमारा जो मटन है अच्छे से भुन गया है मसाले में, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये भुन चुका है। अब इसको गोश्त को गलाने के लिए हम इसमें डाल देंगे पानी। तो ये मैं सबसे पहले 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, इसको हम चलाकर देख लेंगे, लेकिन ये मुझे अभी थोड़ा कम लग रहा है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/2 ग्लास पानी और डाल दूंगी मैं इसके अंदर। और ये दही की प्याली रखी थी, इसको भी मैंने पानी डालकर डाल दिया है जो ताकि दही साफ हो जाए। अब हम इस पर लगा देंगे लिड, ये मैंने लिड लगा दी है। अब 1 सीटी आने पर हम इसको 10 मिनट हल्की गैस पर पका लेंगे। इसको 10 मिनट हो गए थे पकते हुए, अब हम इसको खोलकर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा सालन लग रहा है, मसाला भी अच्छे से पानी खुशक हो गया है, कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको गोश्त को चेक कर लिया है, अच्छे से गल गया है। गोश्त भी गल चुका है, अब थोड़ा सा हम 1-2 मिनट इसको और भून लेते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी भिंडी, ये मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया, बीच में इसके मैंने कट भी लगा लिया था, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब भिंडी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में, हल्का सा भून लेंगे 1-2 मिनट इसको। भिंडी को ये 1-2 मिनट हो गए हैं पकते हुए, इसको अच्छे से चला लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पानी डाल दिया है इसको गलाने के लिए। अब हम एक प्रेशर दे देंगे इसके अंदर, पूरी सीटी हमें नहीं लगानी है, फिर प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हम चेक कर लेंगे। तो ये प्रेशर आ गया था और प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हमने इसको खोल के देख लिया है।
तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा भिंडी गोश्त बन के रेडी हुआ है। ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप पतली ग्रेवी पसंद करते हैं तो थोड़ा पानी गर्म करके आप डाल सकते हैं, और अगर थिक पसंद करते हैं और ज़्यादा, तो आप गैस की फ्लेम पर इसको रख दीजिए और इसको पका कर थिक कर सकते हैं। जैसा आप पसंद करें वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, कट कर लिया था, अब इसको मैं डाल दूंगी। हरे धनिए से जो है टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और देखने में भी ये बहुत यम्मी लगता है, और हरा धनिया फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर डाल के ट्राई करें, बहुत मज़े का लगता है। अब हम इसको हरे धनिए को मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो ये हरा धनिया मिक्स हो गया है, अब हम इसको कर लेंगे सर्व। खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत टेस्टी बनता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा मज़ेदार सा भिंडी गोश्त बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है, जितना ये देखने में यम्मी लग रहा है खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।